तू हटना यहाँ से मेरी प्रेजेंटेशन। Hi guys, my name is Shia and welcome back to my channel Shia Hood. So अभी तो ये जो वीडियो है वो रहेगा मेरा नाइट टाइम स्टडी रूटीन वीडियो। सो अभी तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि जब 7 बज जाते हैं तब मैं खेल के आ जाती हूँ घर पे। सो अभी मुझे जल्दी से मुँह हाथ धोना है, रेडी होना है, लेकिन उससे पहले मैं ये जो थोड़ा बहुत मेरा रूम हल्का सा फैला हुआ है, वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने जमा दिया, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत फैला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रैकेट रखा है, यहाँ नेल पॉलिश रखी हुई है, ये उन सबको मुझे जगह पर रखना है एंड देन मैं ये सारे काम करके आपसे मिलती हूँ। आज ना क्या भोपाल में ना बहुत बारिश हो रही है, मुझे भोपाल में दूसरी जगह का नहीं पता, लेकिन यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, तो ज़्यादा देर तक तो नहीं खेल पाई, लेकिन हाँ जितना खेल लिया उतना खेल लिया। अभी वापस नहीं आई, थोड़ी देर पहले वापस आई थी, लेकिन यस अभी तो जस्ट रैकेट वगैरह अंदर रख रही हूँ। फाइनली मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होके। मेरा कल पीरियोडिक टेस्ट है और कल मैथ्स का टेस्ट है। आज मैं मैथ्स में क्योंकि लर्न नहीं करना रहता, तो मैं जस्ट गो थ्रू करूँगी अपने सारे मैथ्स के जो भी 2 चैप्टर आ रहे हैं मेरे शुरुआत के पीरियोडिक टेस्ट में, तो उनको मैं गो थ्रू करूँगी एंड देखूँगी कि कुछ छूट तो नहीं गया एंड सारे फॉर्मूलाज देखूँगी। बस आज भी यही पढ़ाई रहेगी। जो 7 बजे से अभी तक का शेड्यूल है वो बता देती हूँ। 7 बजे मैं जब खेल के आती हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ खाना रहता है एंड फिर मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ और थोड़ा सा तैयार होती हूँ। इन सब में मुझे आधा घंटा करीबन लग जाता है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं अपनी स्टडीज करती हूँ, जैसे कि अभी मैं मैथ्स करने वाली हूँ। जब कोई लर्निंग का करना रहता है तो ऐसी मैं लर्निंग का करती हूँ 1 आवर। ऐसा मत सोचेगा कि मैं दिन में पूरे दिन में केवल 1 ही घंटा पढ़ती हूँ। करिए yes, क्योंकि ये इवनिंग रूटीन है, मतलब इवनिंग टू नाइट, तो इसमें यही वाला शेड्यूल हम शेयर स्लॉट्स में पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि ब्रेक ले के पढ़ती हूँ। सो अभी के लिए तो 1 आवर, दिन में एटलीस्ट 3 आवर्स पढ़ती हूँ तो नेसेसरी है। अभी एग्जाम टाइम है, अदरवाइज 1 घंटा 2 घंटे भी काफी होते हैं। हाँ बिल्कुल, यू डोंट नीड टू बी अ फ्रीक, राइट? यस। So now, let's go through. क्या मचाई हुई है यार मैंने। आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरी फेयर कॉपी है, मैं उसको इतना गंदा क्यों रखती हूँ। मेरी मैथ्स की रफ कॉपी है, इसमें प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए इतने सारे क्रॉस और कट करने के निशान है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने जो 2nd चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उनके सारे आइडेंटिटीज में गो थ्रू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आइडेंटिटीज क्या क्या है। ध्यान से देखना पड़ेगा वरना मैं भूल जाऊंगी अगर मैं रिविजन नहीं करूँगी तो। वाली हूँ डिनर, मतलब मैं डिनर करने वाली हूँ, और डिनर में मैंने सोचा कि थोड़ा सा हल्का सा खाना खा लेती हूँ। ज़्यादा आज मुझे हैवी खाने का मन नहीं है, थोड़ा पेट
फुल फुल सा लग रहा है. सो मूंग की दाल है और चावल है एंड लेट्स हैव डिनर. डिनर हो चुका है मेरा एंड मुझे अभी फिर से पढ़ाई करनी है. अभी 9 बज रहे हैं. सो 9 से 10 बजे तक यानी कि 9 PM to 10 PM मैं फिर से पढ़ाई करने वाली हूँ कल के एग्जाम्स के लिए. और जल्दी भी उठना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स हैं और फिर ऑनलाइन क्लास भी है एग्जाम्स के दिनों में भी. और हाँ, ऑनलाइन क्लास से मुझे ना कुछ कुछ याद आ जाता है तो हाँ श्रिया अक्सर मुझे बताती रहती है. हाँ तो आज श्रिया लगता है उसने फ्रेंड से भी शेयर करी. यस, एक बार क्या हुआ था कि ऑनलाइन क्लास में एक मतलब हमारी प्रेजेंटेशन होती थी कुछ दिनों तक. अभी तो बंद हो गए एग्जाम की वजह से. तो जब प्रेजेंटेशन होती थी ना तो एक दिन कोई एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन थी हमारी क्लास की थी वो. तो उसका कोई भाई या बहन आए होंगे बीच में तो और उसका माइक ऑन था और बोल रही कि तू हटना यहाँ से, मेरी प्रेजेंटेशन है, तू जाना यहाँ से, तू बीच में क्यों आ रही है या बीच में क्यों आ रहा है तू, ऐसा कुछ बोल रही थी वो. तो मैं सोच रही थी कि यार ये लोग एक बार माइक भी चेक नहीं करते क्यों. मैडम को भी हंसी आ रही होगी. है हाँ हो सकता है आ रही हो. उनका तो वीडियो ऑफ था. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट श्रिया सुनाती रहती है. कोई कोई बच्चे बोलते रहते मम्मी भूख लग रही है. ऐसा अगर आप लोगों के साथ हुआ है ऑनलाइन क्लास में कभी, कोई आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट ने ऐसा कुछ किया है या आप ही से कभी माइक ऑन हो गया हो गलती से और आपने कुछ भी बोल दिया हो तो वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. सो लेट्स फोकस. ऐसे फोकस कितना सीरियसली. वेरी सीरियसली. डोंट लाफ. चलो मैथ्स के रिवीजन कर लो दोनों चैप्टर का परफेक्टली. यस. और 7:30 बजे से श्रिया का एग्जाम रहता है. 7:30 से 8:30 बजे तक एंड देन 9 बजे से ऑनलाइन क्लास जो कि 11 बजे तक चलती है. हाँ कुछ चेंजेस हो गए हैं टाइम टेबल में. हाँ बस 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास है. ओके तो अब मैं आपसे मिलती हूँ पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर में यानी कि 10 बजे. रिवीजन में तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेती हूँ. जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं या मुझे जिन पे डाउट होता है, हाँ डिफिकल्ट होते हैं या जिन पे मुझे डाउट होता है कि मुझे बन पाएंगे या नहीं, उनको मैं ज़रा देख लेती हूँ, गो थ्रू कर लेती हूँ उनसे एंड देन मैं उनका रिवीजन कर लेती हूँ. हाँ वो सॉल्व भी कर लेती है ना कई हाँ, बार. हाँ और फॉर्मूलाज एक बार देखना, आइडेंटिटी देखना, ये सब देखना. यस तो वो सारी चीजें रिवाइज करना रहती है. और कुछ कुछ डेफिनेशंस भी करना पड़ता है क्योंकि वो कभी एमसीक्यू में आ जाता है या फिलअप में आ जाता है. तो फिलअप में मोस्ट ऑफ द टाइम सो वो उसके लिए करना पड़ता है. सो लेट्स कंटिन्यू. कितना बज गया मम्मी अभी? 10:25 हो रहा है. ओके थोड़ा ज़्यादा हो गया ना पढ़ाई का टाइम. हाँ हो गया कंप्लीटेड वर्क. हाँ ऑलमोस्ट. क्यों लगता है कि
फाइनली मेरा पूरा रूटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस कुछ बचा है तो बिस्तर पे लेटना, और जब मेरा मन करता है तो मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ती हूँ। तो अभी तो मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है। सो खड़े खड़े मत सो जाना। सो हाँ, वीडियो बनती रही, सुबह तक बनती जाएगी, एग्जाम का टाइम हो जाएगा फिर। हाँ, सो अभी मुझे जस्ट बिस्तर पे लेटना है एंड ब्लैंकेट होना है, सो जाना है। यस, और श्रिया के लिए सब लोग पूछते हैं कि ये ब्लैंकेट वो क्यों रखती है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट पतला सा ब्लैंकेट है। ये कोजी ब्लैंकेट है, जैसे जो कूलर वगैरह में ओढ़ते हैं ना, उस हिसाब से है वो। एसी ब्लैंकेट, कूलर ब्लैंकेट जो आते हैं वो है, एकदम पतला है ये। यस, तो ये विंटर वाला नहीं है ब्लैंकेट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड क्योंकि अभी सोने का टाइम हो गया, लगभग 11 बजने को आ रहे हैं। यस, जैसे कि आप क्लॉक में देख सकते हैं। सो या मी एंड माय मॉम माय डैड रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड न्यू वीडियोस on Pratima's Life and Living, Shriya Hood, and Papa ke channel pe to abhi kaafi dino se video nahi aaye, unse bolu video dalne. So yes. And haan, सबको ये जो हम लोग हिंदी में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो वीडियोस अब पोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इंग्लिश इंग्लिश में मत करिए, हिंदी में भी करिए, तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। यस, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश में हमें भी मजा नहीं आ रहा था, असली मजा तो हमारी मातृभाषा में है। यस यस, सो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। एंड या लाइक subscribe and share this video with your other friends. Till then, bye. Me too in the other video. Till then, bye bye. Take care. Bye bye. Bye. Mummy ki pyari si tone.